खबरों की शुरुआत कर लेते हैं झांसी से। झांसी जनपद की तहसील गरूठा के अंतर्गत आने वाले विद्युत उपकेंद्र गुरसराय उपखंड अधिकारी चंद्रेश सिंह तोमर द्वारा नगर में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी उसी दौरान उपखंड अधिकारी के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई और जिसका पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की है। बताया गया है कि गुरसराय थाने में विद्युत उपखंड अधिकारी चंद्रेश सिंह तोमर द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि प्रार्थी चंद्रेश सिंह तोमर अपने विद्युत विभाग की टीम एवं विजिलेंस टीम के साथ गुरसराय नगर में विद्युत चेकिंग कर रहे थे, तभी उसी दौरान अमन गोस्वामी एवं कुछ अन्य 20 से 30 लोग आए और विद्युत की टीम के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध उपखंड अधिकारी चंद्रेश सिंह तोमर एवं नीरज कुमार TG2 द्वारा किया गया, तो उक्त दबंग व्यक्तियों ने गाली गलौज के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और एवं सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अध्यक्ष गुरसराय अरुण कुमार तिवारी द्वारा आरोपी अमन गोस्वामी पुत्र राजू गोस्वामी एवं 20 से 30 आने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। चेकिंग के दौरान मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज दिनांक 11 मई 2022 को थाना गुरसराय पुलिस को विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि आज जब वो कटरा बाजार में विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त चेकिंग कर रहे थे, उस दौरान कुछ लोगों ने उनके कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न की तथा उनकी टीम के साथ मारपीट व गाली गलौज की। प्राप्त तहरीर के अनुरूप थाना गुरसराय पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।